आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कुंभ मेल का बारे में जानेंगे। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, और इसी कारण 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ के बीच अर्थात पूर्ण कुंभ के 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आयोजित होता है। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ गढ़ा, सुराही, बर्तन है। मेल शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेल के अर्थ है एक सभा मिलना, जो जल या अमरत्व का अमृत है। कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिका राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वारा इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्म को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। कुंभ पर्व के आयोजन के लेकर 2-3 पौराणिक कथाएँ प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। युद्ध के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंद गिरी थी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदी गिरी वहाँ पर प्राचीन समय से लेकर आज तक कुंभ मेले के निरंतर आयोजन हो रहा है। इस बार हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। इस शुभ पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं।